अगर आपने एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 13 बेस कस्टम रोम्स को यूज़ किया, स्पेशली द लेटेस्ट वन जो आप लेने जो इस कस्टम रोम की बात करते हैं, या फिर राइस्ट्रॉयड जैसी कस्टम रोम की बात करते हैं जिसमें आपको अपर्चर कैमरा प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है, तो उस कैमरा ऐप के बारे में बात करेंगे। अब आप उस कैमरा ऐप को किसी और डिवाइस में, किसी और कस्टम रोम में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉन रूट में। आपको इसके लिए रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट्स गुड। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इस कैमरा के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली बार बताया था, 480, 720, 1080 तक का आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जूम की बात करेंगे तो अप टू 4x जूम हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जी कैम या किसी और कैमरा ऐप के साथ, बट अपर्चर कैमरा एक एक्चुअली में ओपन सोर्स कैमरा ऐप है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आप अपने डिवाइस में कोई कैमरा ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इसे कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें आपको एक फीचर काफ़ी कमाल का देखने मिलता है, दैट इज़ क्यू आर कोड स्कैनर। क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड 13 यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ये कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है। जब आप अपने क्विक सेटिंग स्टाइल से क्यू आर स्कैनर को क्लिक करते हैं तो ये स्कैन वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है आपके डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में। बस सेम चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप यहाँ से क्लिक नहीं कर पाएंगे फोटो को स्कैन से, सिर्फ आप स्कैन डायरेक्टली स्कैन ही कर पाएंगे। फोटो, वीडियो, एक्सेट्रा सब कुछ अच्छा है, फीचर्स काफ़ी अच्छे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फोटो रिकॉर्डिंग, फोटो की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 4:3 और 16:9 और ग्रिड, ये सब ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको यूज़ करने के लिए आपको रूट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिवाइस में कोई मैजिक वगैरह आपको कुछ नहीं इंस्टॉल करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है इस APK फाइल को, और क्रेडिट्स, लिंक्स सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़फुल मॉड हो सकता है आपके डिवाइसेस के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10 इन सब में काम कर सकता है। एटलीस्ट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 में तो काम करना चाहिए। मैं भी इसे एंड्रॉयड 12 में यूज़ कर रहा हूँ, और एंड्रॉयड 13 में वैसे तो आपके कस्टमरों में अवेलेबल होगा, नहीं मैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं जस्ट ट्राई करने के लिए। मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं इसे कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राई करने के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैमरा साइज़ जो है सिर्फ 6 MB का है। डायरेक्टली APK फाइल को इंस्टॉल कीजिए एंड डन। और बस ये सब चीज़ें आपको बतानी थी, यही सब था आज की इस छोटी सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, एंड्रॉयड के मॉड्स, मैजिक मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं एंड देखने को मिलती रहेंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय।